কোনোভাবে ওই দেশ দ্বারা কিংবা অন্য কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। একটু ভয় লাগে, গা ছমছম করে, কিন্তু বাঘের ভয় থাকে যন্তরমন্তর হিরোকাদার দেশে। অনেকগুলো টয় ট্রেন ইন্ডিয়াতে চলে আছে, তাজমহল এটা আসলে না বললে আপনারা কমেন্টস করুন। স্বাগতম সবাইকে বিচ রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আজকে আমরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলো ঘুরবো। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলো তাও ইন্ডিয়ার, সেটা বলো যে ইন্ডিয়ার ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। আসলে সবগুলো হেরিটেজ সাইট দেখাবে না, এখানে হয়তো বা নির্দিষ্ট কোনো একটা হেরিটেজ সাইট দেখাবে। আমার কাছে তা মনে হচ্ছে না, এখানে যেটা টাইটেল দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে এভরি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন ইন্ডিয়া সুপার 40। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে যে সাইটগুলো আছে ওগুলো দেখাবে। হতে পারে, আমি আসলে এখনো কনফিউজ। আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা, তুমি বলতে চাচ্ছ অনেকগুলো। আসলে চলো ভিডিওর ভিতরে দেখে আসি আসলে তারা কয়টা হেরিটেজ সাইট এখানে শেয়ার করেছে আমাদের সঙ্গে। আর ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ার ট্রেন থেকে, আর পাওয়ার ট্রেনের ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচের ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকেও অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। हमारे देश की कुछ हिस्टोरिक साइट्स को इंक्लूड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर। इसके वजह से इंडिया उस एक्सक्लूसिव सुपर 40 क्लब का मेंबर बन गई, जो उन कुछ गिने चुने देशों को कहा जाता है जिनके पास 40 या उससे ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो एग्जैक्टली इंडिया के ये 40 साइट्स है कौन से, और एंड में आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं इनका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले साइट्स के बारे में जो इंक्लूड की गई थी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, जहां पर इंडिया इंक्लूडेड थी। तो सबसे पहली साइट है अजंता केव्स, जो महाराष्ट्र में मौजूद है और 2nd सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी BC के बीच में यहां पर इन्हें बनाया गया। ये 31 केव्स का एक यूनिट है जो पूरी तरीके से चट्टानों को तराश कर बनाया गया है, और यहाँ पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को डिपेक्ट करते हुए आर्ट बनाए गए हैं। यहाँ पर मैंने पर्सनली भी विजिट किया है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये जो तस्वीरों में नजर आते हैं उनसे बहुत बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। दूसरी जो साइट इंडिया के अंदर इंक्लूड की गई थी वो थी एलोरा केव्स, जो अजंता केव्स है, और ये महाराष्ट्र में मौजूद है, जिन्हें 600 से लेके 1080 साल के बीच में बनाया गया। इसी भी साल 1983 के अंदर इंक्लूड किया गया, और ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जहाँ पर बिना किसी मॉडर्न टूल्स के चट्टानों के बीच में जैनिज्म, हिंदुज्म और बुद्धिज्म को डिपिक्ट करते हुए यहाँ पर टेम्पल्स, रिलीजियस केव्स और कई सारे दूसरे आर्ट पीसेस बनाए गए। अगली जो साइट इंडिया के अंदर इंक्लूड की गई थी वो थी साल 1983 में आगरा फोर्ट, ये मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 16वीं शताब्दी में एम्परर अकबर के रेन में इसे बनाया गया था। अगली जो साइट इंडिया में से इंक्लूड की गई थी वो थी ताजमहल, जो आगरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ऑब्वियसली ताजमहल के बारे में आप सब लोग जानते हो, और इसे भी 1983 में ही इंक्लूड किया गया था। ये टोटल 43 हेक्टेयर्स में फैला हुआ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड साइट है, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इंक्लूड किया जाता है, और ये लास्ट साइट था जो 1983 के अंदर ही इंडिया में से इंक्लूड किया गया था। अगली दोस्तों जो साइट है वो है सन टेंपल कोणार्क, जो पूरी उड़ीसा में मौजूद है, जो 13th सेंचुरी में बना था और साल 1984 में इसे लिस्ट में इंक्लूड किया गया। इस टेंपल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर सन गॉड जो सूर्यदेव है उनके 24 व्हील्स को डिपिक्ट करते हुए टेंपल्स बनाए गए हैं, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस 7 घोड़ों की कार्विंग्स भी है। इनफैक्ट हमारे कुछ नोट्स जो है, जो करेंसी है, उसके ऊपर भी आपको सन टेंपल देखने के लिए मिलेगा। और जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी नरसिम्हा देवा के द्वारा, उनके रूल्स में सैंडस्टोन में इस चीज़ को बनाया गया, और वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल्स आप कह सकते हो ईस्टर्न इंडिया के अंदर 13th सेंचुरी के लिए। अगला दोस्तों जो साइट इंक्लूड किया गया यूनेस्को की लिस्ट में वो था ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। दोस्तों ये साइट तमिलनाडु में मौजूद है, और जो पल्लव राजा थे उनके द्वारा इसे बनाया गया। 7वीं और 8वीं शताब्दी में इनका काम हुआ, और टोटल 11 केव सैंक्टम्स, चैरियट्स, टेम्पल्स, ओपन एयर रॉक रिलीज और कई सारे ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स यहाँ पर देखे गए हैं, जो आज के डेट में भी सीक्रेट्स है कि किस तरीके से उस टाइम पर बनाए गए होंगे, क्योंकि बिना क्रेन्स या मॉडर्न इक्विपमेंट के कोई भी पॉसिबल मीडियम्स नजर नहीं आते ऐसे साइट को बनाने के लिए। अगला दोस्तों जो साइट है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आसाम के अंदर है। ऑब्वियसली ये एक नेशनल पार्क होने की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 1985 में इसे इंक्लूड किया गया था एज ए नेचुरल हेरिटेज,
और ये एक ऐसा भाग है आसाम का जहाँ पर नेचुरली हर साल ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से फ्लड्स आती है, जो इसे बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है, और यहाँ पर बहुत रेयर इंडियन राइनोसोरस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे 1950 में ही डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन जब से यूनेस्को की लिस्ट में से इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन हुआ है, और अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस का। अगला जो स्पॉट है वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फिर से आसाम में ही मौजूद है, इसे भी 1985 में इंक्लूड किया था, और ये फेमस है अपने रेप्टाइल स्पीशीज, एनिमल्स और प्रोजेक्ट टाइगर, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिसंबर 1985 के दौरान शुरू किया गया था, इसका ये एपिसेंटर था। इंडिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देश है पूरी दुनिया में टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए, ट्रिपल डिजिट से मोर देन 6000 टाइगर्स आज इंडिया के अंदर मौजूद है, और ये जो मिशन इंडिया के अंदर सेव टाइगर वाला शुरू किया गया था वो इसी जगह में से साल 1985 में शुरू किया गया। अगली दोस्तों जो साइट है वो है केलोदाव नेशनल पार्क, जो है राजस्थान में, और साल 1985 में इसे इंक्लूड किया गया। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर चाइना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, साइबेरिया, इन सारे रीजन्स में से जो क्रेन्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो माइग्रेट करने के बाद में लैंड करते हैं। टोटल 6,880 एकड़ में ये फैली हुई जमीन है। एक जमाने पर यहाँ पर डक हंटिंग की जाती थी राजाओं के द्वारा, लेकिन आज ये प्रोटेक्टेड साइट है, और यहाँ पर विजिट करके माइग्रेटिंग बर्ड्स देखने का मौका लोगों को मिलता है। अगला दोस्तों जो साइट है वो है गोवा के अंदर पोर्चुगीज रूल काफी लंबे समय तक था, और 1986 में यूनेस्को के द्वारा वेल्ला गोवा और ओल्ड गोवा के अंदर मौजूद कई सारे अलग अलग चर्चेस को इंक्लूड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। यहाँ पर मैं सारे के सारे चर्चेस का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा लंबी लिस्ट है, लेकिन आप कह सकते हो कि जो 1510 के बाद में बने हुए चर्चेस थे उन्हें इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसके बाद में ना सिर्फ इन्हें प्रिजर्व किया गया, लेकिन ये कुछ यूनिक साइट्स में से पूरे पूरे लिस्ट में से जो अभी भी काफी अच्छे बड़े पैमाने पर फंक्शन है, जो उनका रिलीजियस पर्पस था उस तरीके से इन्हें यूज भी किया जाता है, जबकि कई सारे ऑब्वियसली अभी हिस्टोरिकल साइट्स बन चुके हैं। अगली दोस्तों जो साइट है वो है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है, और 1986 में से डिक्लेयर किया गया। ये टेम्पल्स बनाए गए थे 1950 एडी और 1050 एडी के बीच में, और गुर्जर प्रतिहार्स के द्वारा इसे बनाया गया, जो चंदेला डायनेस्टी के एम्परर्स थे। टोटल 22 टेम्पल 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इसके अंदर फैले हुए हैं। आप जानते होंगे ये खजुराहो टेम्पल किस चीज़ के लिए फेमस है, जो आज के डेट में काफ़ी यूनिक लगता है, लेकिन अपने आप में एक कल्चरल एडवांसमेंट का ये प्रतीक था कई हजार साल पहले। अगला दोस्तों जो साइट है वो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। साल 1986 में कर्नाटका के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो हम्पी के साइट्स हैं इन्हें इंक्लूड किया गया था, और 16वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर बने हुए ये टेम्पल्स एक जमाने में दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट और बिगेस्ट सिटीज हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ पावर, ट्रेड, मनी, या आप कह सकते हो तो डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ ये जो टेम्पल, ये विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था, और रिसेंट में ही इस मॉन्यूमेंट को बहुत ज्यादा अभी दोस्तों जो साइट इंक्लूड की गई थी यूनेस्को के साइट लिस्ट में वो है फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और साल 1986 में 16वीं शताब्दी में बनी हुई फतेहपुर सीकरी जहांगीर के द्वारा बनवाई गई थी, और 1573 में इसका काम खत्म हुआ था। यहाँ पर कई सारे मॉस है, रेस्टिंग एरियाज है और पैलेसेस है। अगली दोस्तों जो साइट है वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ पड़क्कल। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मौजूद केंद्रीय जो साइट्स है इन्हें 8th सेंचुरी में बनाया गया था, और 1987 में इन्हें लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। यहाँ पर 9 हिंदू टेम्पल्स है, एक जैन सेंचुरी है जो एक ही प्रीमाइसेस में मौजूद है, और रानी लोकमहा देवी के द्वारा ये चीज बनाई गई थी उनके हस्बैंड के विन की वजह से, जो थे राजा विक्रमादित्य 2, और पल्लव डायनेस्टी के अंदर ही इसे भी बनाया गया। ये भी एक आर्किटेक्चर मार्वल है, और क्राउन रूबीज के द्वारा जाना जाता है इसे सदर्न इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर। अगली दोस्तों जो साइट है वो है एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, जो एक आइलैंड पर बसी हुई है, और 5th और 8th सेंचुरी के बीच में इन्हें बनाया गया। साल 1987 में इन्हें इंक्लूड किया गया था, और एलिफेंटा आइलैंड जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अराउंड 10 किलोमीटर दूर मौजूद है, वहां पर एक काफी ज्यादा रिनाउड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन गया है। यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है, और आप कह सकते हो एलिफेंटा केव्स उन पहले इनिशियल क्लस्टर्स में से थी जो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट केव्स मौजूद है, उनमें से सबसे पहले जो उनकी रीडिस्कवरी हुई वो यही वाली केव्स थी। अगली दोस्तों जो साइट है वो अलग अलग लोकेशंस पर फैली हुई है, जो है द ग्रेट लिविंग टेम्पल्स ऑफ चोला डायनेस्टी, और ये है सारे के सारे तमिलनाडु में, जो गंगाईकोंडा, दर्शुरम और बृदेश्वर में मौजूद है। ये ऑब्वियसली चोला एम्पायर के द्वारा बनाए गए थे। पूरे के पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर मौजूद है, जो 79 फीट के हाइट तक ऊपर जाते हैं, और 11वीं और 12वीं शताब्दी में इन्हें बनाया गया। अगली दूसरी जो साइट इंक्लूड की गई थी इंडिया में से वो थी सुंदरबंस नेशनल पार्क, जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है, और साल 1939 से लेकर
नहीं थी क्योंकि बीच में वैसे इस पार्ट्स के अलग अलग एरिया को प्रोटेक्टेड वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने बना दिया था, लेकिन ऑफिशियली साल 1987 में इन्हें यूनेस्को का दर्जा मिला। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इन नदी का जो बेसिन है वहाँ पर सुंदरबंस बनता है और 1,33,000 हेक्टेयर ऑफ सुंदरबन जो इंडिया के भाग में है वो एक डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क है आज के डेट में भी। द ग्रेट बंगाल टाइगर यहीं पर है, क्रोकोडाइल्स, बहुत ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वाइल्ड लाइफ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और आज के डेट में भी सुंदरबंस ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल भाग है। अगला जो साइड इंक्लूड किया गया था इंडिया के अंदर से वो था नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में मौजूद है। साल 1988 में वैसे वैली ऑफ फ्लावर्स को इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन 2005 में नंदा देवी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। और जांचकर के लिए जो ग्रेट हिमालय का रीजन है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, ये पूरा का पूरा यूनेस्को साइट के अंदर मौजूद है। वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर का और काफी ज्यादा इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस साथ साथ ऑब्वियसली जियोग्राफिकली भी ये एक काफी ज्यादा यूनिक जगह है। अगला स्पॉट जो इंडिया के अंदर से इंक्लूड किया गया था वो था बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। मध्य प्रदेश में ये जो जगह बनी है ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है और साल 1989 में इसे यूनेस्को की साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया था। जो प्रिंसिपल स्तूपा है इस पूरे मॉन्यूमेंट में वो सेकेंड सेंचुरी के अंदर बनाया गया था और कई सारे मोनोलिथिक पिलर्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, कई सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और आज के डेट में ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। अगला दोस्तों जो साइट इंक्लूड किया गया था इंडिया में से वो था हुमायूं या हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली के अंदर मौजूद है और साल 1572 में बना हुआ ये मॉन्यूमेंट 1993 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के अंदर। ये अपने डबल डोम के लिए फेमस है और एक इररेगुलर ऑक्टोगोनल बेस की वजह से भी इसे जाना जाता है और 42.5 मीटर की इसकी हाइट है। अगला मॉन्यूमेंट जो है वो कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली। दोस्तों कुतुब मीनार के आसपास में भी कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स है इसे एज एन वन साइट इंक्लूड किया जाता है और लेट 12th सेंचुरी में इसे बनाया गया था। आप अगर इसकी स्टोरी जानते होंगे तो इसे कहा जाता है कि जो शिकार पर निकले हुए या कुछ काम से निकले हुए रॉयल मैन थे उन्हें देखने के लिए, उन्हें स्पॉट करने के लिए कुतुब मीनार का इस्तेमाल किया जाता था रानियों के द्वारा और 72.5 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार बहुत लंबे समय तक देश का सबसे ऊंचा स्तंभ हुआ करता था। 22 नंबर पे जो इंडिया के अंदर से इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो थी माउंटेन रेलवे जहाँ पर अलग अलग रेलवेज इंक्लूड की गई। यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो वेस्ट बंगाल में है वो 1999 में इंक्लूड की गई, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो 2005 ऊटी तमिलनाडु से इंक्लूड की गई और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में से 2008 में इंक्लूड की गई थी। इन रेलवे के बारे में ज्यादा बताने की बात नहीं है और जो हमारे इंडियन के बारे में जानता है बॉलीवुड रहे या फिर डे टू डे बातों में होने वाले टूरिस्ट कॉन्वर्जेशंस भी रहे, ये रेलवेज इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है और इंटरेस्टिंगली 19th और 20th सेंचुरी में बनी हुई ये रेलवेज आज के डेट में भी फंक्शनल है जो किसी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए काफ़ी ज़्यादा रेयर है। वैसे दोस्तों इन तीन साइट्स के अलावा भी कुछ और ऐसे रेलवेज है जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया, जैसे माथेरान रेलवेज जो वेस्टर्न घाट्स में आता है लेकिन खुद क्योंकि वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो माथेरान की रेलवेज को इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो उस वाली रेलवे को भी है। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है महाबोधि टेंपल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया जो बिहार में है। बोधगया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट के लिए और 3rd सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड्स के दौरान एक्सपांड किया गया। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी एनलाइटेंड हुए थे और यही वो जगह है जहाँ पर बोधि ट्री, वो पेड़ जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी एनलाइटमेंट हुए थे, वो मौजूद है। यहाँ पर दुनिया भर से बुद्धिस्ट आते हैं और साथ साथ कई सारे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है उन्होंने अपनी मॉनेस्ट्रीज यहाँ पर बनाकर रखी है। अगली दोस्तों जो स्पॉट है वो है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका का जो मध्य प्रदेश में है। 30,000 साल पहले यहाँ पर ये केव पेंटिंग्स बनाई गई थी और साल 2003 में इन्हें इंक्लूड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। दुनिया के अंदर जब ह्यूमंस जस्ट अपना एग्जिस्टेंस बनाना शुरू कर रहे थे उस समय पर 10,280 हेक्टेयर जमीन में जो अलग अलग केव्स है वहाँ पर सैंडस्टोन पर ये सारी की सारी चीजें बनाई गई और जो रॉक शेल्टर्स और जो केव्स मेसोलिथिक पीरियड के अंदर हुआ करती थी जहाँ पर गांव में एंशियंट ह्यूमन बींग्स रहा करते थे वो थे भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स जो अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली एक साइट है। अगली दूसरी जो साइट है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था जो महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद एक रेलवे स्टेशन है। साल 1888 में 16 लाख रुपए की कीमत से स्टेशन को बनाया गया और आज की डेट में ये ना सिर्फ मुंबई का लेकिन इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लॉकडाउन न होने के टाइम पे मोर देन 1100 ट्रेन्स दिन में पास होती थी
वो भी एक ट्रेन कुछ उन यूनिक साइट्स में से है जिनका बड़े पैमाने पर आज के डेट में प्रैक्टिकल यूज हो रहा है, जिस हिसाब से इसे बनाया गया था उसी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप सब जानते होंगे कि बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट स्टेशन के लिए प्लान है, जब पर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा छुआ नहीं जाएगा, लेकिन इस स्टेशन के रूप को और ज़्यादा बदल दिया जाने वाला है ताकि आने वाले सेंचुरीज के लिए भी ये फंक्शनल रह पाए। अगला दोस्तों जो साइट है वो है चांपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो गुजरात में मौजूद है और 8 से लेकर 14 सेंचुरी के बीच में बने हुए जो साइट्स हैं, इन्हें 2004 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। ये भी बहुत ज्यादा प्री हिस्टोरिक जगह है जहाँ पर एक जमाने में गुजरात का जो एंशियंट किंगडम था उसका हिंदू कैपिटल इसी जगह को माना गया था। और कई सारे एग्रीकल्चर साइट, वॉट इंस्टॉलेशंस, जैन टेम्पल्स, काली माता टेम्पल्स जैसी चीज़ें यहाँ पर मिली है। ये एक स्पेशल साइट इसलिए है क्योंकि ये उन रेयर साइट्स में से है जो मुगल एम्पायर के दौरान बिल्कुल भी अनटच रही, आसपास में कहीं पर इसका इन्फ्लुएंस आया नहीं, और कह सकते हो आइसोलेटेड ये रही इतने सारे सालों तक, जिसकी वजह से ये टेम्पल और आसपास का पूरा एरिया जो है वो प्रिस्टीन है जैसा पहले रहा करता था। अगली दोस्तों जो साइट है वो है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो है दिल्ली के अंदर, और साल 1614 में बनी हुई इस साइट को 2007 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इस साइट के बारे में ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, आप सब जानते हो मार्बल, रेड स्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। अलग अलग मुगल एम्परर्स के लिए यहाँ पर कमरे और दीवाने, खास दीवाने यहाँ मौजूद है, और यही वो जगह है जहाँ से इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। अगली दोस्तों जो साइट है वो है जंतर मंतर जयपुर। तो दोस्तों जयपुर राजस्थान में ये आप लोग ठीक से समझ भी नहीं पाते थे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता था, लेकिन स्टार्स का पोजीशन जानना, एक्लिप्सिस को डिटेक्ट करना, कौन सा स्टार कौन सा पोजीशन, कैसे ग्रह दशा होगी, ये सारी की सारी चीजें इस साइट में से डिटरमाइन की जाती थी। और इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल, कॉस्मोलॉजिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, मैथमेटिकल स्किल्स थी, जो स्कॉलर्स हमारे यहाँ पर थे, इसका जीता जाता सबूत बन गया जंतर मंतर। अगली दोस्तों जो साइट्स है वो एक बहुत बड़ा देश का घाट रीजन जो है वेस्टर्न घाट्स, जिसे कई सारे स्टेट्स में से डिवाइड किया गया है, जहाँ पर सह्याद्री माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स, तलकेवेरी क्लस्टर, केदरमुख सब क्लस्टर्स, अगस्त मलिक क्लस्टर, ऐसे अलग अलग सेक्शन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। वैसे वेस्टर्न घाट्स को फॉर्मली ट्रिप और सिर्फ पूरे स्ट्रेच में सह्याद्री माउंटेन्स के नाम पर जाना जाता था, क्योंकि अलग अलग रॉक फॉर्मेशन से ये बने हैं, तो इन्हें जियोग्राफिकली भी बाद में डिवाइड किया गया। रीजन है हमारे देश का है, कई सारे सेक्शंस में काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाना डिफिकल्ट है, और पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर का हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इसे कई बार नॉमिनेट और अवार्ड किया गया है। टोटल 39 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, डेजिग्नेटेड साइट्स यहाँ पर मौजूद है, और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे स्टेट्स अलग अलग हिस्से ओन करते हैं वेस्ट अंबेर। अगली दोस्तों जो साइट है वो है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान वैसे भी जाने जाते हैं अपने हिल फोर्ट्स के लिए, और यहाँ पर अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर बनाया गया, जो राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर था, इसकी झलक आपको इन सारे फोर्ट्स में देखने के लिए मिलेगी, और आज के डेट में भी इनमें से कई सारे फोर्ट्स में एक्चुअल रॉयल फैमिलीज रहती है। 31st स्पॉट पे है हरानी की वाव या द क्वींस स्टेपवेल, जो पाटन गुजरात में है। ये भी एक ऐसा स्पॉट है जो वैसे जाना इतना नहीं जाता था, लेकिन रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली जो फोटो जेनिक सीन्स यहाँ पर बन सकते हैं उसके वजह से। और 2014 में इंक्लूड होने के बाद में ये जो 64 मीटर गहरी स्टेपवेल है, ये भी एक आर्किटेक्चरल मावल माना जाता है। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर का हिस्सा आता है हिमालय का, और इसे भी 2014 में इंक्लूड किया गया। 90,540 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है जो अपर माउंटेन ग्लेशियर स्नो मेल्ट रीजन है, इसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। 25 फॉरेस्ट टाइप्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, रिच यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, और इंडिया की जो मेन नदियाँ है वो इसी रीजन में से शुरू होती है। अगली दोस्तों जो स्पॉट है वो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा, ये बिहार के अंदर मौजूद है, जो दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और 5th-12th सेंचुरी के बीच में से बनाया गया। जितने भी हमने हिस्टोरिकल स्कॉलर्स सुने हैं हमारे इंडिया की हिस्ट्री में, वो यहीं पे पढ़े थे। दुनिया का सबसे बड़ा बुक कलेक्शन या लाइब्रेरी जो है वो यहीं पर मौजूद थी, लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट्स के दौरान उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसके बाद में धीरे धीरे नालंदा का डिमाइज शुरू हुआ, और दूसरे जो कुछ रीजन्स थे दुनिया भर के वो ज्यादा फेमस बन गए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन फिर भी पूरे के पूरे दुनिया के एजुकेशन सेंटर की शुरुआत जो है वो नालंदा में से हुई थी।
अगला दूसरा जो स्पॉट है वो है कंचन डोंगजा नेशनल पार्क जो सिक्किम के अंदर मौजूद है और ये एक ग्लेशियर स्नो कैप माउंटेन्स एंशिएंट फॉरेस्ट और वर्ल्ड का तीसरा हाईएस्ट पीक कंचन डोंगजा हमें देखने के लिए मिलता है। 2016 में इसे इंक्लूड किया गया इस लिस्ट के अंदर और ये भी एक जियोग्राफिकल एनोमली है। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर चंडीगढ़। ये कुछ उन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं नहीं। आप जानते होंगे कि चंडीगढ़ को प्लान तरीके से बनाया गया था और एक आर्किटेक्ट को इसके लिए काम दिया गया था जिन्होंने पूरी तरीके से आर्किटेक्चर को रीडिफाइन करते हुए टोटल 17 ऐसे बिल्डिंग्स चंडीगढ़ में बनाए थे जिनका इस्तेमाल आज भी होता है और इन्हें भी उनकी यूनिकनेस के वजह से 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया। आप ऐसा भी कह सकते हो ये कुछ उन साइट्स में से है जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट बनी थी, लेस देन अ सेंचुरी पहले इन्हें बनाया गया और उसके बावजूद ये साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगली दोस्तों जो साइट है वो है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद जो अहमदाबाद गुजरात है। इस पूरी की पूरी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है जो शहर है ये 15वीं शताब्दी से अपना इन्फ्लुएंस अपने आसपास देता जा रहा है और कई सारे पब्लिक वेल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फीडर्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगला दोस्तों जो साइट है वो है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर भी मल्टीपल साइट्स इंक्लूडेड है जहाँ पर मुंबई का हाई कोर्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी में मौजूद राजाबाई टावर, मुंबई कॉन्वेंशन हॉल, ईरो सिनेमा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इन जैसे अलग अलग साइट्स मौजूद है और 19th और 20th सेंचुरी में बने हुए ये सारे के सारे स्पॉट्स ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे और 2018 में इन्हें रिकग्नाइज किया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगली दोस्तों जो साइट है वो है जयपुर। अहमदाबाद की तरह ये भी एक पूरा का पूरा शहर है जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकग्नेशन दिया गया है 2019 में और साल 1727 में इसके फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर भी कई सारे पैलेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है ककातिया रुद्रेश्वरा टेंपल या रामप्पा टेंपल जो तेलंगाना में मौजूद है। इसी साल एक महीना भी नहीं हुआ इस टेंपल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। गणपति देवा और लचेला रुद्र रेड्डी इन किंगडम्स के दौरान इसे एस्टेब्लिश किया गया साल 1123 और 1323 के बीच में और यहाँ पर भी आपको पोरस ब्रिक्स के द्वारा बने हुए यानी फ्लोटिंग ब्रिक्स जिन्हें कहते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा एयर पॉकेट्स होते हैं इसके द्वारा बना हुआ रूफ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर कैचमेंट एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड्स, आइलैंड्स, फॉरेस्ट इन सारी चीजों को भी आसपास में इंक्लूड किया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आखिरी जो साइट इंडिया के अंदर लेटेस्ट इंक्लूड की गई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर वो थी धूलावीरा जो हरप्पन सिविलाइजेशन का एक भाग है इंडिया के अंदर से। गुजरात के अंदर ये मौजूद है और कम से कम 8 से लेकर 9,000 साल पहले इन साइट्स को बनाया गया था। चाहे वो सीवेज सिस्टम्स हो, पब्लिक बाथ्स हो, ये सारी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद थी। कॉपर, स्टोन ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस स्टोन, टेराकोटा, आइवरी, इन जैसे आप कह सकते हो मिडिल एजेस के अंदर यूज होने वाले मटेरियल्स भी इस शहर के अंदर मिले हैं और हरप्पन सिविलाइजेशन जो कितनी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी इसका एक जीता जाता सबूत है धूलावीरा और इसे 2021 में इसी महीने जुलाई के अंदर इंक्लूड किया गया एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों इसके अलावा भी वैसे कई सारे अलग अलग यूनेस्को के डेजिग्नेशंस होते हैं जहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर होता है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर होता है, यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क होता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क होता है, यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट होती है जहाँ पर इंडिया के कई सारे दूसरे फेस्टिवल्स, सिटीज, मॉन्यूमेंट्स, लोग, एनिमल्स इन जैसे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। लेकिन करेंटली जो मैंने कही वो फिजिकल साइट्स की लिस्ट थी। अब फाइनली आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्चुअल में यूनेस्को की साइट की लिस्ट होती क्या है। तो बेसिकली यूनेस्को टोटल 194 देशों का एक क्लस्टर है जो रिकग्नाइज करता है दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स को। यूएन के अंदर ये बॉडी आ सकती है आप कह सकते हो, लेकिन इनके पास में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी है खुद का, कल्चरल, नेचुरल, हिस्टोरिक, ह्यूमैनिटी और कई सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड जो ऐसे साइट्स होते हैं इन्हें जब यूनेस्को के द्वारा रिकग्निशन मिलता है तो आप कह सकते हो इन्हें यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है। तो यूनेस्को करती है कि इन सारे साइट्स पर अपनी नज़र बनाए रखती है। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करता है, अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट इन्हें बनता है, नेचुरल हेरिटेज को चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है या फिर अगर इन्हें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है या फिर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इनका प्रमोशन करवाना होता है, तो दोनों तरफ से यूनेस्को जो है वो मदद करती है और इसके जरिए उम्मीद है कि दुनिया भर के अंदर जो पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड को डिपिक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो आने वाले कई सारे शताब्दियों तक आने वाले जनरेशन के लिए हमेशा प्रिजर्व रहे और कोई भी गलत फ़ायदा उठाते हुए उनका नुकसान ना करे, फिर चाहे वो डेजर्ट्स हो, फॉरेस्ट हो, लैंड्स हो, लेक्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो या फिर विल्डरनेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी ये वीडियो बन गई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में। তাহলে এখন বুঝতে পারলাম আসলে ইউনেস্কো কি কাজ করে। তুমি কি জানতে যে ইউনেস্কো আসলে কি কি ধরনের কাজ করে?
আমি এটা এ ব্যাপারে জানতাম না যে তারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ গুলাকে রক্ষা করার জন্য এক্সট্রা এক্সট্রা কেয়ার নেয়, সেটা আমি জানতাম না। আমি ভাবতাম এটা এক ধরনের রিকগনাইজেশন, এটা একটা অ্যাওয়ার্ড টাইপের হয়তো, বা একটা দেশের জন্য এটা সবাই পরিচিতি পাইলো এই জিনিসটা, এটাই, এর বেশি কিছু না। কিন্তু তারা যে এটা বুঝতে পারলাম যে আসলে তারা হচ্ছে তাদের যে রিকগনাইজ প্লেসগুলো আছে সেগুলোর প্রতি তারা নজর রাখে, এবং এই নজরটা ততক্ষণ পর্যন্ত রাখে যেন এটা কোনোভাবে ওই দেশ দ্বারা কিংবা অন্য কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং এটার প্রমোশনের জন্য তারা কাজ করে। এই জিনিসগুলো আসলে আমার জানা ছিল না। আর এখানে আমরা এই ভিডিওতে যা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে ইউনেস্কোর লিস্টে ইন্ডিয়ার যে 40টা হেরিটেজ সাইট আছে সেগুলো নিয়ে ডিসক্রিপশন দিয়েছে, আরও অনেকগুলো সাইট আছে সেগুলো বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়াতে পড়ে, এবং সেই সব ক্রাইটেরিয়ার কারণে হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ইউনেস্কো দ্বারা হচ্ছে তোমার মানে রিকগনাইজ করা হয়ে থাকে আর কি। আর ইউনেস্কোর লিস্টের এই যে আজকে যে ভিডিও, এই ভিডিওতে আমরা অনেকগুলো ভিডিও দেখেছি, 40টার মতো প্লেস দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে শুরুর দিকে যে ভিডিও প্লেসগুলো ছিল, হ্যাঁ, সেগুলো ছিল কেভ কেন্দ্রিক। আসলে কেভ কিন্তু আমাদের সবারই ভালো লাগে, একটু ভয় লাগে, গা ছমছম করে, কিন্তু কেভ কিন্তু সবারই পছন্দের একটা জায়গা। না, এখানকার যে কেভগুলো দেখালো সেগুলো কিন্তু আসলে অনেক বড় কেভ রুমের মতো জায়গা, এবং সেখানে অনেক অনেক ধরনের তোমার কি বলবো স্কাল্পচার আছে যেগুলো মানুষ দেখার জন্য কিন্তু উৎসুক থাকে। নর্মাল যে কেভগুলো থাকে সেখানে যেতে কিন্তু একটু অন্ধকার ভয় থাকে, সেরকম একটা ব্যাপার থাকে। আর এখানে যেটা দেখে মনে হলো যে এই কেভগুলো কিন্তু ওরকম হবে না। হ্যাঁ, এরকম ছিল না, কেননা যেহেতু ইউনেস্কো দ্বারা অলরেডি এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে লিস্টেড করা হয়েছে, সো এই জিনিসগুলো রক্ষণাবেক্ষণ কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলছে। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণ এখানে মন্দির দেখানো হয়েছে, যেমন এলোরা কেভস, এটাও কিন্তু একটা মন্দির, যেটা হচ্ছে আমরা আগে একটা ভিডিও সম্পূর্ণ আলাদাভাবে করেছে এর উপরে। তাছাড়া আরো অনেকগুলো মন্দির দেখিয়েছে যেগুলো আসলে মানুষের দ্বারা তৈরি না, কিংবা মানুষ তৈরি করেছে সেটা অনেক আগে তৈরি করেছে, এরকম এর পিছনে আরো অনেক বড় বড় ইতিহাস আছে। সেসব ইতিহাস যদি ঘাটতে যাওয়া হয় তাহলে এরকম আরো অনেক বড় বড় ভিডিও আমরা করতে পারবো, দেখা যাবে। না, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে পুরনো জিনিসগুলো দেখানো হয়েছে সেটাও নয়, ব্রিটিশ আমলের কিন্তু অনেক জিনিস দেখানো হয়েছে, এবং যেটা ছিল যে মুঘল আমলের কিন্তু অনেক ফোর্ট ছিল, এবং তাদের যেটা হচ্ছে জায়গা ছিল আকবরের মকবরা যেটা বলা হয় দিল্লিতে, তারপর হচ্ছে কুতুব মিনার এবং হচ্ছে দিল্লির রেড ফোর্ট, এগুলো কিন্তু দেখানো হয়েছে, এগুলাও ইনক্লুডেড আর ইউনেস্কোর। তো এগুলাও আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুব সুন্দর জায়গা হবে দিন পার করার জন্য, সেখানে অনেক কিছু জানতে পারবে মানুষ, অনেক কিছু দেখতে পারবে, এবং যে সমস্ত জায়গায় মানুষ যেতে পারবে ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় কাটাতে পারবে না, যেমন বন জঙ্গল যেটা সুন্দরবনই বলো কিংবা আসামের যে ন্যাশনাল পার্কে বলো। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, তারা আসামের ন্যাশনাল পার্ক যে দুটা দেখালো সেই দুটাতে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, তারা সময় পার করতে পারবে, কারণ সেখানে কিন্তু একটা গাড়ি দেখাচ্ছিল যে টুরিস্টরা কিন্তু গাড়ির মধ্য দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছিল, তার মানে হচ্ছে যে সেখানে লোকজন যায় এবং অনেকটা সময়। তবে পাখির পার্কটাই যতটা স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারবে, যতটা সেফভাবে ঘুরতে পারবে, আমার মনে হয় না যে ওখানে যেমন গন্ডারকে দেখাচ্ছিল, হ্যাঁ, হাতিকে দেখাচ্ছিল, সেই পার্কে মানুষ অতটা ফ্রিলি ঘুরতে পারবে। তাছাড়া অবশ্যই প্রোটেকশন নিয়ে যেতে হবে। আমাদের যেমন সুন্দরবনে কিন্তু আমরা যখনই গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে কিনা যে আমাদের সাথে কিন্তু দুজন গার্ড ছিল, সামনে একজন পিছনে একজন, তো তারাও কিন্তু ভয় পায়। দিনের বেলাতেই গিয়েছিলাম, তারপরও আমাদের সঙ্গে গার্ড ছিল। তো সুন্দরবনটাও কিন্তু আসলে অনেক সময় বাঘের ভয় থাকে, আর হরিণের বিচরণটা দেখতে ভালো লাগে, হরিণকে দেখা যায় খুব সহজেই, আর সাথে তো অন্য অনেক প্রাণী আছে যাদেরকে দেখা যায় খুব সহজে, কিন্তু বাঘকে দেখা পাওয়া খুবই মুশকিল, আর না দেখা পাওয়াই ভালো একদিক থেকে। আর এছাড়া অনেকগুলো চার্চ দেখানো হয়েছিল, হ্যাঁ, চার্চগুলো কিন্তু অসম্ভব সুন্দর ছিল, যেগুলো হচ্ছে যে সেই ইংরেজ আমলে তৈরি করা হয়েছে। এই চার্চগুলোর ভিতরের যে ডেকোরেশন ছিল সেগুলো কিন্তু সেই ধরনের ছিল, মানে এগুলো আসলে কারোর সঙ্গে কাউকে তুলনা করা যাবে না যে বিষয়গুলো আমরা। তারপর আরেকটা জায়গা ছিল যেখানে কিন্তু কেভের মধ্যে তোমার ডিজাইন করা মানে পেন্টিংস করা পাওয়া গেছে, তো অনেক পুরনো যখন পেন্টিংগুলো তখন এগুলো কিন্তু দেখার আকর্ষণ মানুষের মধ্যে থাকে যে আমাদের পূর্বপুরুষ বা তাদের আগের লোকজন কীভাবে এই পেন্টগুলো করেছে এবং কী কী কালার ইউজ করেছে, কীভাবে করেছে, এগুলো আসলে কিন্তু দেখতে খুব ভালোই লাগবে। হ্যাঁ, অবশ্যই, এবং এর মধ্যে দিয়ে অনেক অতীত ইতিহাসকে আমরা আসলে চিনতে পারি আর কি, যে অতীতটা কেমন ছিল, প্রাচীন যুগে মানুষ কীভাবে আসলে লাইফ লিড করতো, কোন জায়গায় লাইফ লিড করতো। তাছাড়া মুম্বাই কিন্তু অনেকগুলো প্লেস আছে, হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে, তার মধ্যে মুম্বাইয়ের যে রেল স্টেশনটা সেটা তো আমরা অনেক আগে থেকেই দেখছি যে অনেক সুন্দর, অনেক বড় একটা রেল স্টেশন, এবং যেখান থেকে
করোনার আগে হচ্ছে 100 100+ সম্ভবত ট্রেন প্রতিদিন ছেড়ে যেত, এত বড় স্টেশন। ওয়্যার যে রেল স্টেশন সেটা কিন্তু চমৎকার, এবং এটা আসলে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো অবশ্যই ছিল। হ্যাঁ, এটা বাইরে থেকে দেখলে খুবই চমৎকার লাগে, চমৎকার লাগে। আর যেহেতু এতগুলা ট্রেন একসঙ্গে ছেড়ে যায় আসে, তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এটা ঠিকই আছে এটাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে দেওয়ার জন্য। আর আরেকটা জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে যে যন্তর মন্তর, হিরো প্রাজার দেশের মুভিটাতে ছিল না যে যন্তর মন্তর একটা মেশিনের মধ্যে মানুষকে ঢুকিয়ে দেয়, সেখান থেকে বের করে মানুষের মাথায়, যেটা ঠিক সেরকম একটা জায়গা ছিল। এই জায়গাটা দেখে আমার কাছে যখন বলেছে যে যন্তর মন্তর, আমার কাছে মুভিটার কথা মনে পড়ে গেছে ওই সময়। যাই হোক, এই জায়গাটাও কিন্তু আসলে অনেক চমৎকার একটা জায়গা। সেখান থেকে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল জায়গা, যে তারার দূরত্ব বা সূর্যের দূরত্ব এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা কিভাবে এখান থেকে কাজ করেছে না, সেটা জানতে পারা যাবে এই জায়গায় গেলে। আরো কিছু জায়গা কিন্তু অবশ্যই, নালন্দা ইউনিভার্সিটি, যেটা হচ্ছে আসলে অনেক পুরাতন একটা ইউনিভার্সিটি, এবং এই ইউনিভার্সিটি বলা হয় যে এটা সারা বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন ইউনিভার্সিটি, এবং যে ইউনিভার্সিটিতে সব থেকে বেশি সবাই এখানে হিন্দু থেকে পুরাতন বইগুলো সংরক্ষিত ছিল এখানকার লাইব্রেরিতে। এখানে কিন্তু হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সবাই একসঙ্গে কিন্তু পড়াশোনা করতো। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই জায়গাটা আসলে অনেক অনেক বড় একটা জায়গা এবং অনেক সুন্দর একটা জায়গা। আর এখানে গেলে এখন হয়তো ওরকম কোনো কিছু নাই, কারণ বইগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তো কোনো কিছুই আসলে ওইভাবে অক্ষত নাই। তারপরে যতটুকু জায়গা আছে অবশ্যই দেখতে যাওয়ার আমার ইচ্ছা আছে এই জায়গাটাতে। ওয়েস্টার্ন ঘাট যেটা জায়গা দেখালে, এখানে হচ্ছে অনেকগুলো পাহাড়ের সমাবেশ। পাহাড় আমার কাছে অনেক ভালো লাগে, আর সবুজ পাহাড় হলে তো কোনো কথাই নেই, এটা আসলে শান্তিতে থাকার মতো একটা প্লেস বলবো। এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের যে অন্তর্ভুক্তি করেছে, আমার কাছে এটাও ভালো লেগেছে, আসলে এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে যেতে পারে। তাছাড়া হচ্ছে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য আসলে অনেকেই যায়, এবং এটা হচ্ছে পৃথিবীর দেখতে পারেনি, সেটা কুয়াশার জন্য দেখতে পারো নাই, কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ যে জন্য সেটাকে করেছে, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পৃথিবীর উচ্চতম পাহাড়গুলোর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে আছে, সেই হিসাবে এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ যেতেই পারে। সুন্দর ছবি দেখে আমাদের কাছে যত, হ্যাঁ বাস্তবে আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে যে ভিউটা দেখায় সকালবেলা সেটা আমরা দেখতে পাইনি, বাট বাদ বাকিটা আমরা দেখেছি, কিন্তু এটা আসলে অনেক সুন্দর একটা জায়গা। আর অনেকগুলো টয় ট্রেন ইন্ডিয়াতে চলে, তার মধ্যে হিমালয় চলে, টয় ট্রেন চলে, তাছাড়া হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের এদিকে আশেপাশে অন্য অন্য জায়গাতেও চলে। আর আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের দার্জিলিং এর যে টয় ট্রেনটি, তো টয় ট্রেন দেখতে আসলে চমৎকার, এবং পাহাড়ের পাশ দিয়ে ছোট ট্রেন যখন চড়তে থাকে এটা অসম্ভব সুন্দর লাগে। তো এটা এটাও আসলে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো বিষয়, কেননা এটা কিন্তু অনেক বছর ধরে চলছে, অনেক পুরাতন ট্রেন, এবং এখনো চলছে, এবং এখনো অনেক সুন্দর অবস্থায় আছে। কারণ আমরা যখন দার্জিলিং গিয়েছিলাম তখন কিন্তু এটা খুবই মানে আকর্ষণীয় লাগছিল, মনে হচ্ছিল যে না এটা নতুন কোনো কিছু, এত যে পুরাতন একটা ট্রেন তা কিন্তু মনে হচ্ছিল না একদমই। অবশ্যই, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা অনেকগুলো জায়গার কথা বলেছি এখানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের 40টা জায়গার মধ্যে, আমরা যতগুলো মনে রাখতে পেরেছি ততগুলো আপনাদের সঙ্গে আসলে ডিসক্রিপশনগুলো শেয়ার করেছি। আরও একটা যে জায়গাটা আমাদের বলা হয়নি সেটা হচ্ছে তাজমহল, এটা আসলে না বললে না তাহলে আসলে আপনারা কমেন্টস করবেন আমাদেরকে, দেখা যাবে অনেক নেগেটিভ কমেন্টস চলে আসবে। তাজমহল অবশ্যই অনেক পুরাতন, এবং পুরাতন একটা প্রেমের নিদর্শন, এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে তো আছেই, ইভেন কি সপ্তম আশ্চর্যের যে লিস্টটা হয়েছিল লাস্ট, তার মধ্যেও কিন্তু আছে তাজমহল। এবং এটাও কিন্তু অনেক বিশাল একটা জায়গা জুড়ে, তো এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা দেখার একটা আকর্ষণীয় জায়গা। এবং ইন্ডিয়াতে যারাই যায় তারাই কিন্তু প্রথমে প্রথম কথাই বলে যে তাজমহল দেখতে যাবো, তো এই জায়গাটা আসলে সবারই একটা আকর্ষণের জায়গা আমি বলবো। আর যথারীতি রাজস্থানের অনেকগুলো প্লেস আছে, রাজস্থানের কিছু প্লেস আছে। যাই হোক, এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের উপর যে ভিডিওটি করেছে পাওয়ার ট্রেন, ভিডিওটি আমাদের ভালো লেগেছে, এবং ভিডিও থেকে আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন জানতে পেরেছি। তো আজকে আমাদের সাথে সাথে যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়, অবশ্যই জানাবেন আপনারা কোন কোন জায়গায় ঘুরেছেন।